आज एमपीपीएससी टॉपर प्रिया बनी है जी, क्या कहना चाहेंगी? बहुत अच्छा लग रहा है सर, जब रिजल्ट आया उसके बाद से सब बहुत खुश हैं, फैमिली बहुत खुश है। जो एक जर्नी शुरू हुई थी 2019 की कई साल पहले, वो फाइनली कल्मिनेट हुई है और बहुत अच्छे तरीके से हुई है, अच्छी रैंक के साथ हुई है, तो एक बहुत सेटिस्फेक्शन है मन में और बहुत अच्छी फीलिंग है। कैसे पता चला आपको, जब अचानक पता चला तो क्या आपके घर की स्थिति थी, क्या आपकी स्थिति थी? सर सब सो रहे थे जब रिजल्ट आया है, फिर मुझे बहुत सारे मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए तो मेरी नींद खुली और फिर चेक किया कि रिजल्ट आ गया है और सबने कॉन्ग्रेचुलेट किया, रैंक वन आई है। फिर मैंने वापस से क्रॉस चेक किया, पीडीएफ खोली, देखा तो उसमें मेरा नाम था। कई बार देखा फिर भरोसा हुआ एक्चुअल में कि हाँ रैंक वन आई है। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है जब हम क्योंकि जैसे सिविल सेवा परीक्षा का नेचर होता है, टफ होता है एग्ज़ाम और बहुत कंपटीशन होता है, तो रैंक वन सोच पाना ही एक बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन रहता है, लेकिन इवेंचुअली वो हुआ है तो बहुत अच्छी फीलिंग है, बहुत अच्छा लग रहा है। किसको श्रेय देंगी? सर श्रेय बहुत लोगों को जाता है, पेरेंट्स जिनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा एक बैकबोन की तरह हेल्प किया है, उसके अलावा टीचर्स जिन्होंने बचपन से लेकर आज तक मुझे प्रेरणा देते रहे हैं और मार्गदर्शक के रूप में काम करते रहे हैं, और फिर उसके अलावा मेरे फ्रेंड्स और जो भी मेंटर्स हैं जिन्होंने इस पूरी जर्नी में मेरा साथ दिया, तो उन सबका श्रेय है इस मेरी जर्नी में और उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरा संदेश यही है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानें और जिस भी फील्ड में आपको लग रहा है कि यहाँ आपको अच्छा करना है तो बिल्कुल आप निरंतर प्रयास करें उस फील्ड के लिए। जहाँ तक एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी बहुत आवश्यक है आजकल लड़कियों के लिए, सबके लिए ही, तो उसमें निरंतर प्रयास करते रहना है। ज़रूरी नहीं है आप सिविल सर्विसेज में ही अपना करियर बनाएं, जिस भी फील्ड में आप जिसमें भी अच्छी हैं जिस भी फील्ड में, तो उसमें अपने आप को निरंतर अपने आप को बढ़ते हुए देखना है और बस आगे बढ़ने का प्रयास करना है।